नमस्कार, मैं फिर से आई हूँ आप लोग के साथ एक नई रेसिपी को लेकर। वो है आम की चटनी। आप लोग सभी जानते हैं अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो आम काफ़ी मात्रा में मार्केट में मिल रही है। आम का तरह तरह का रेसिपी बनाए जाते हैं, चलिए हम बनाने चलते हैं। मैंने 4 आम ले लिया है, इसको अच्छे से हम छील के पीस पीस काट लेंगे। इसमें हम रखने के लिए मिर्चा और लहसुन, इसको हम थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, हल्का रोस्ट कर लेंगे, काफ़ी इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा। आम को मैंने छील लिया है, अब इसको हम पीस पीस कर लेंगे छोटा छोटा टुकड़ों में, क्योंकि जार में पीसने में आसानी होगी। छोटा छोटा टुकड़ों में आम काट लिया है, इसे हम अब जार में रखने चल रहे हैं। सारे टुकड़ों को, आम के टुकड़ों को जार में रख के रख दिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबा ले कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोग देख सके। इसमें जो मैंने रोस्ट किया है लाल मिर्च वो डालेंगे, लहसुन और नमक 1 चम्मच मैंने डाला है, और हल्का सा और डाल दिया है 1 छोटा चम्मच। अब इसको हम मिक्सर में पीस के पतला कर लेंगे। अब हम इसे चेक कर रहे हैं, अभी पूरे तरीके से पतला नहीं हुआ है। इसमें हल्का सा पानी डाल के इसे हम फिर पीस लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है, खट्टा लगेगा खाने में। दाल चावल के साथ आप इसे खा सकती हैं। देखिए कितना अच्छा पतला भी हो गया, कलर भी कितना अच्छा आया है। फिर से करिए, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा लें कि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोग देख सकें। मेरी वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अभी आम के सीज़न में हम लोग एक दिन बेच करके डेली चटनी बनाते हैं, और इसे मज़े से खाते भी हैं, और बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में।